अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आयत एडिटिंग नून। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी बनने वाली है। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आज हम लिखेंगे राबी, आर लिख लेना है, फिर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है, यहाँ से साइज़ फुल कर लेना है आपने इसका यहाँ पर, फिर आपने यहाँ से ए बी फॉन्ट पे क्लिक करके अपने फॉन्ट ले लेना है। यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट ले लूँगी, यहाँ पे ये वाला फॉन्ट लेके इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करके आपने यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने थोड़ी स्ट्रोक दे देनी है। टू पे आपने इसको ब्लैक कलर में स्ट्रोक दे देना है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसकी दो कॉपीज़ ले लेनी है, यहाँ इसको ओके कर लेना है। इसको ऑफ़ करके आपने इसको मार्क रन करना है, यहाँ से आपने इसको मार्क रन करना है, यहाँ पे आपने इनको मार्क रन कर लेना है। मार्क रन करके आपने यहाँ से ओके कर लेना है, इसको आपने इसको ऑन करना है और इसको यहाँ से बैक करके बाकी का नेम आपने टाइप कर लेना है। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करके ओके कर लेना है। बाकी का नेम टाइप करना है आपने यहाँ पर, यहाँ बाकी का नेम आप लिख लेंगे ए बी आई, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से थोड़ा इसका साइज़ कम कर लेना है, यहाँ साइज़ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ थोड़ा कम करके ओके कर लेना है। फिर ए बी फॉन्ट पे क्लिक करके आपने एक और फॉन्ट ले लेना है, यहाँ से हम एक और फॉन्ट ले लेंगे, इसको ओके कर लेना है। फिर इसको आपने एडजस्ट कर लेना है, यहाँ आपने स्पेसिंग पे क्लिक करके इसको थोड़ी स्पेस दे देनी है, यहाँ से आपने इसको इतना स्पेस दे देना है, ओके कर लेना है। फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, फिर आपने यहाँ से इसकी दो कॉपीज़ ले लेनी है, इसको ओके कर लेना है। फिर आपने इसको यहाँ से मॉडर्न करना है, मॉडर्न कर लेना है, इसको कट कर देना है, यहाँ आपने इनको मॉडर्न करके ओके कर लेना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, आपने इसको अपनी डीपी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसको आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है, एडजस्ट करने के बाद आपने नेम को ट्रांसपेरेंट करना है। यहाँ से आपने कार्ड पर क्लिक करके इसको आपने यहाँ से सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आपने इसको अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना है। नेम को आपने हमेशा अल्ट्रा में सेव करना है ताकि हमारे नेम की क्वालिटी ख़राब ना हो। जी तो फ्रेंड्स, मैं पीएससी से मैं आ गई, मैंने डीपीआर कर लिया। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आपने नेम ले लेना है, यहाँ से हम ये वाला नेम ले लेंगे, इसको आपने ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ के एडजस्ट कर लेना है, आपने डीपी के हिसाब से नेम को एडजस्ट करना है, यहाँ आपने इसको ओके कर लेना है। प्लस पे क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, यहाँ से आपने डुप्लीकेट लेयर लेके ओके कर लेना है। फिर आपने इसको ऑफ़ कर लेना, इसको हम एहतियातन ही लेते हैं। यहाँ से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके आपने यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, इसका आपने सिलेक्ट पिक्सल करना है, ओके कर लेना है। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, यहाँ से आपने एम्प्टी लेयर लेके ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने टाइप पे क्लिक करके यहाँ से आपने स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने स्ट्रोक दे देनी है, या आपने इसकी वेट आपने 20 कर लेना है, ओके कर लेना है आपने इसको। फिर आपने इसको आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है, कट करके ओके कर लेना है, डिसलेक्ट कर लेना है। डीपी के बार क्लिक करके आपने अपने इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से अपने एफ एक्स पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने यहाँ से बेवल पे क्लिक कर लेना है, आपने इसको बेवल दे देना है। इसकी सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसका आपने ब्लर 5 कर लेना है, डिस्टेंस आपने 3 कर लेना है, एंगल 180 कर लेना है, कलर वाइट ओके कर लेना है आपने इसको। ऐसी अगेन आपने एफ एक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है, यहाँ से आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने फिर से बेवल देना है। इस बार जस्ट आपने इसका एंगल चेंज करके 45 कर लेना है, बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है, ब्लर और डिस्टेंस आपने सेम वैसे रहने देना है, इसको ऐसे ही ओके कर लेना है। फिर आपने अगेन एफ एक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है, यहाँ से बेवल पे क्लिक कर लेना है। इस बार आपने जस्ट इसका एंगल चेंज करके 90 कर लेना है, बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है, इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से टू लाइंस पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने कर्व दे देनी है, कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसको आपने गौर से देखना है, इसकी सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच किया करें। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपने पेंसिल पर क्लिक करके इसको आपने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है, सेलेक्ट पिक्सल करके आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, यहाँ से आपने इसकी एम्प्टी लेयर लेके ओके कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है, टाइप पे क्लिक करके आपने स्ट्रोक दे देनी है, स्ट्रोक पे सेट कर लेना है इसको आपने। फिर आपने इसकी वेट था आपने यहाँ से 25 कर लेनी है, ओके कर लेना है आपने इसको यहाँ पर। फिर आपने यहाँ से इसको
पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कट पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने कट कर लेना है, ओके कर लेना है। डीपी के बाहर क्लिक करके आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से बेवल पे क्लिक करके इसको आपने बेवल दे देना है। यहाँ आपने बेवल पे क्लिक करना है। इसका ब्लर आपने 5 डिस्टेंस 3 एंगल 180 कर लेना है। कलर वाइट ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका जस्ट एंगल चेंज करना है। इसका एंगल आपने 45 कर लेना है। बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है। इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। इस बार इसका जस्ट आपने एंगल चेंज करके 90 कर लेना है। बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देनी है। इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। यहाँ से आपने टू लाइंस पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से कर्व पे क्लिक कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है। इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने इसकी इंटेंसिटी 60 कर लेनी है, ओके कर लेना है आपने इसको यहाँ पे। फिर आपने यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ से एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से मून लाइट पे क्लिक कर लेना है। मून लाइट पे क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेनी है आपने। आपने इतनी कर लेनी है। इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ से बेवल पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने इसका ब्लर आपने 20 कर लेना है। डिस्टेंस आपने इसका 10 कर लेना है। एंगल 180 कर लेना है। कलर वाइट ओके कर लेना है आपने। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका जस्ट एंगल चेंज करना है। एंगल आपने 45 कर लेना है। बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है। ब्लर और डिस्टेंस आपने सेम वैसे रहने देना है। इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने फिर से बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका जस्ट एंगल चेंज करना है। इसका एंगल आपने 135 करके इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने फिर से बेवल दे देना है। यहाँ से आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसका जस्ट एंगल चेंज करना है। 90 कर लेना है एंगल आपने। बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है। इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से टू लाइंस पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने यहाँ से कर्व दे देनी है। कर्व पे क्लिक कर लेना है। इसकी सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है। इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है। इसका ब्लाइंड मोड आपने ओवरली कर लेना है। ओवरली पे क्लिक कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट रख के यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने टिंट पे क्लिक कर लेना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला कलर दे दूँगी। इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। फिर आपने इनको आपस में यहाँ से मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से आपने इनको मॉडर्न करके ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से प्लस पे क्लिक करके एक पीएनजी ले लेना है। यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी ले लेना है। इसको आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर पेंसिल पे क्लिक करके आपने इसको कट कर लेना है। कट कर लेंगे इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर आपने डीपी के बाहर क्लिक करके डीसेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने एंड पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने इसको नेम के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करके आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको ओके कर लेना है। फिर आपने इसको पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। अगेन पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करके आपने बाकी के नेम पे इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करके आपने ओके कर लेना है। अगेन आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। बाकी के नेम पे आपने इसको सेट कर लेना है। सेम प्रोसेस है फ्रेंड, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इसको ऐड करने के बाद आपने इनको आपस में मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से आपने इनको मॉडर्न कर लेना है। मॉडर्न पे क्लिक कर लेना है। सारे को आपने मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से आपने फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और फिर पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से पीएनजी वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इस लेयर को सिलेक्ट करके आपने अगेन पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। डीपी के बाहर क्लिक करके इसको आपने डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेके ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसका ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लाइंड मोड ओवरली कर लेंगे, ओके कर लेना है। फिर आपने इनको आपस में मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से मॉडर्न करके ओके कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके एक और पीएनजी ले लेना है। प्लस पे क्लिक करके आपने पीएनजी लेना है।
यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी ले लेना है, इसको आपने एडजस्ट करके ओके कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने फिर इसको यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, कट पे क्लिक कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने इसको डीपी के बाहर क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी करना है। अगेन पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने पेस्ट कर लेना है, पेस्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसको नेम के ऊपर एडजस्ट कर लेना है, इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करके ओके कर लेना है, यहाँ आपने इसको ओके कर लेना है। अगेन आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी पेस्ट करके बाकी के नेम पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, सेट कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इनको आपस में मॉडर्न कर लेना है, यहाँ से आपने इनको मॉडर्न करके ओके कर लेना है, यहाँ से आपने ओके कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने नेम वाली लेयर को सिलेक्ट करके फिर आपने पेंसिल पर क्लिक कर लेना है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट पिक्सल पर क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से पीएनजी वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने पीएनजी वाली लेयर को सिलेक्ट करके पेंसिल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर लेना है, ओके कर लेना है। आपने डीपी के बाहर क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, यहाँ से ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसका ब्लाइंड मोड चेंज करना है, यहाँ आपने इसका ब्लाइंड मोड ओवरले कर लेंगे, ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ओके करके फिर आपने इसको यहाँ से मॉडर्न कर लेना है, यहाँ से मॉडर्न कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसका सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, ओके कर लेना है इसको। फिर आपने यहाँ से एंड पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है, टाइप पे क्लिक करके इसको आपने स्ट्रोक पे सेट कर लेना है, यहाँ से आपने स्ट्रोक पे सेट करके इसकी विड्थ आपने 9 कर लेनी है, ओके कर लेना है। फिर आपने इसको यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कट पे क्लिक कर लेना है, कट कर लेना है। फिर आपने डीपी के बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से बेवल दे देना है, बेवल पे क्लिक कर लेना है। इसका ब्लर आपने 4 कर लेना है, डिस्टेंस आपने 2 कर लेना है, एंगल 180, कलर वाइट ओके कर लेना है। आपने इसको गौर से देख लेना है, अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको फिर से आपने बेवल दे देना है, यहाँ से बेवल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसका जस्ट यहाँ से एंगल चेंज करना है, यहाँ से आपने इसका एंगल 45 कर लेना है, बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है, इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने फिर से बेवल दे देना है, बेवल पे क्लिक कर लेना है। इस बार आपने इसका जस्ट एंगल चेंज करना है, इस बार इसका एंगल आपने 90 कर लेना है, बाकी सेटिंग आपने सेम वैसे रहने देना है, इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से टू लाइन्स पे क्लिक करके इसको आपने कर्व दे देनी है, कर्व पे क्लिक कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसको आपने ऐसे ही ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है, इसको आपने ओके कर लेना है। इसकी इंटेंसिटी आपने 80 के करीब कर लेना है, इसको ऐसे ही आपने ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इनको आपस में मॉडर्न कर लेना है, मॉडर्न करके ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप शेडो दे देना है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लेना है। इसका ब्लर आपने 2 कर लेना है, डिस्टेंस आपने 1 कर लेना है, एंगल 90, कलर ब्लैक ओके कर लेना है आपने इसको ऐसे ही। यहाँ से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके इसको भी आपने ड्रॉप शेडो दे देना है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने इसका ब्लर 2 कर लेना है, डिस्टेंस भी आपने 2 कर लेना है, एंगल 90, कलर ब्लैक ओके कर लेना है आपने इसको यहाँ पे। फिर आपने इन सबको आपस में मॉडर्न कर लेना है, इसको आपने यहाँ से मॉडर्न कर लेना है, इसको भी आपने मॉडर्न कर लेना है, इसको भी आपने मॉडर्न कर लेना है, और यहाँ पे इसको भी आपने मॉडर्न कर लेना है। इस लेयर को आपने यहाँ से डल कर देना है, इसको आपने यहाँ से डल कर देना है, डल पे क्लिक कर लेना है, डिलीट हो जाएगी इस तरह से। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ग्लास फोन बहुत ही प्यारा बना है, अब हम इसमें कुछ पीएनजी ऐड करके इसको और ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर किया करें, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आपने पीएनजी ले लेना है, यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी लेकर इसको एडजस्ट करके ओके कर लेना है। फिर आपने एक और पीएनजी ले लेना है, प्लस पे क्लिक करके एक और पीएनजी ले लेना है, यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी लेकर ओके कर लेना है। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ से आपने ये वाली मैजिक स्टिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने कट कर लेना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ से आपने कट कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने डीपी के बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने एंड पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके नेम के ऊपर आपने सेट कर लेना है, इसको अपने नेम के ऊपर सेट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ,
इसको अपने यहाँ पे सेट कर लेना है, यहाँ पे अपने इसको एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करके अपने इसको ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके इसको अपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, अगेन पेंसिल पे क्लिक करके इसको अपने पेस्ट कर लेना है, पेस्ट करके अपने बाकी के नेम पे इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से अपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, अगेन आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से अपने इसमें सेट कर लेना है, इसको अपने यहाँ पे सेट कर लेना है, यहाँ पे अपने इसको ओके करना है। फिर आपने यहाँ से इनको यहाँ से आपने मॉडर्न कर लेना है, मॉडर्न पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आपने इसकी एक डुप्लीकेट ले लेनी है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से इसका ब्लेंड मोड चेंज कर लेना है, यहाँ आपने इसका ब्लेंड मोड ओवल कर लेंगे, ओके कर लेना है। फिर आपने इनको आपस में यहाँ से मॉडर्न कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी ले लेना है, इसका आपने यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, स्क्रीन कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एंड पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके नेम के ऊपर आपने इसको सेट कर लेना है, यहाँ से आपने इसको नेम के ऊपर सेट करना है, यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको सेट कर लेना है, यहाँ पर आपने इसको सेट करके ओके कर लेना है। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट ले लेके फिर आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके आपने बाकी के नेम के ऊपर इसको एडजस्ट करना है, ओके कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ग्लास फॉर्म बहुत ही प्यारा बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच किया करिए। यहाँ से आपने डीपी को सेव करना है, डन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके आपने सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने डीपी पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ से ओके पे क्लिक करके ओके कर लेना है। इस तरह से डीपी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।